अब आइए एक बहुत रंगीन शायर को आपके बीच बुला रहा हूं। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत खूबसूरत गीतों के लिए मशहूर पिंक जैसी फिल्म के कामयाब नगमा निगार, जिनकी नज्म, जिनकी शानदार नज्म को सदी के सबसे बड़े महानायक, हम सबके, हमारे देश के बड़े महानायक अमिताभ बच्चन जी ने जिसकी नज्म को अपनी आवाज दी, वो शायर, वो कलमकार, वो प्यारा दोस्त, वो बहुत खूबसूरत इंसान तनवीर गाजी आपके बीच माइक पर। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। बहुत बड़ी फहरिस्त है शोराय कराम की, बहुत अच्छा लिखने वाले लोग हैं जिनको आपको सुनना है, तो सिचुएशन का ये तकाजा है कि बहुत कम शेर पढ़े जाएं, लेकिन गुजारिश ये है कि जितनी भी देर में शेर पढ़ूं थोड़ी आपकी तवज्जो मिल जाए तो मेरा सफ़र आसान हो जाएगा। मैं कुछ पढ़ने और वाला था, लेकिन जिस तरह जैकलिन फर्नांडिस का नाम सुनकर कुछ मासूम नौजवान उछल पड़े, तो मुझे एक शेर याद आ गया, वो सुना देता हूँ कि दुखी मौसम में, अब शेर सुन ले बेटा, कि दुखी मौसम में एक लम्हे की खुशहाली निकल आई, दुखी मौसम में एक लम्हे की खुशहाली निकल आई, मेरे तकिए से तेरे कान की बाली निकल आई। अच्छा लगा आपको? एक बार जोरदार तालियां बजा के इजाजत दे के अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। धीरे 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 कोशिश करता हूँ कि शायरी सुनाऊं, थोड़ी देर और दो तीन मिनट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक शेर पढ़ता हूँ कि हवा बनकर मेरे पास आ, हवा बनकर मेरे पास आ, हवा बनकर मेरे पास आ, तुझे खुशबू बना दूंगा, हवा बनकर मेरे पास आ। जित बड़े बड़े हमारे मोजिज दोस्त जितेंद्र अहवाल साहब स्टेज पर तशरीफ लाए हैं, बहुत रिस्पेक्टेड शख्सियत हैं, बम्बई से आए हैं, उनका इस्तकबाल कीजिए, प्लीज बैठ जाए। शमीम भाई का भी इस्तकबाल करता हूँ मैं। चलिए, और एक एक शेर सुना रहा था, थोड़ा फिर इधर मुतवज्जो हो जाएं। नाम है तो अगर याद है तो। हवा बनकर मेरे पास आ, तुझे खुशबू बना दूंगा, तू कोई भी ज़बा हो मैं तुझे उर्दू बना दूंगा। हवा बनकर मेरे पास आ, तुझे खुशबू बना दूंगा, तू कोई भी ज़बा हो मैं तुझे उर्दू बना दूंगा। मैं तेरे गाल से गिरता हुआ आंसू का कतरा हूं, हवा बनकर मेरे पास आ, तुझे खुशबू बना दूंगा, तू कोई ही ज़बा हो मैं तुझे उर्दू बना दूंगा। मैं तेरे गाल से गिरता हुआ आंसू का कतरा हूं, मैं जिस कंकर पे ठहरूंगा उसे जुगनू बना दूंगा। मैं तेरे गाल से गिरता हुआ आंसू का कतरा हूं, मैं जिस कंकर पे ठहरूंगा। बहुत 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 अच्छे शायरों को आपको सुनना है, तो आखिर में और दो तीन शेर पढ़ के मैं इजाजत चाहूंगा। एक मतलब एक शेर के, उसने हसीन आंखों पे चश्मा चढ़ा लिया, उसने हसीन आंखों पे चश्मा चढ़ा लिया, छोटी सी कायनात पे पर्दा चढ़ा लिया, उसने हसीन आंखों पे चश्मा चढ़ा लिया, वाह 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 वाह, छोटी सी कायनात पे पर्दा चढ़ा लिया, मेरे कदम भी रुक गए सिंदूर देखकर। उसने हसीन आंखों पे चश्मा चढ़ा लिया, क्या कहना, छोटी सी कायनात पे पर्दा चढ़ा लिया, मेरे कदम भी रुक गए सिंदूर देखकर, उसने भी अपनी कार का शीशा चढ़ा लिया। अरे
क्या तनवीर गाजी को ऐसे ही चले जाने दें? आप ऐसे जाने देंगे? तो मैं चाहता हूं कि तनवीर गाजी से इनके वो शेर सुने जाए जिनको सुनने के बाद कई 8 साल के बच्चे 3 दिन में 18 साल के हो गए। जरा सा तैयार हो जाइए प्लीज तनवीर गाजी। और आपके हुक्म की तामिल में और कुछ शेर सुना देता हूं कि उसकी आंखों में सुनिए भाई, उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है। उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है। उसको हालांकि मेरे प्यार पे शक आज भी है। उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है। उसको हालांकि मेरे प्यार पे शक आज भी है। नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ उसने। उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है। नवाजिश। नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ उसने। सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। उसकी आंखों में मोहब्बत। अच्छा लग रहा है आपको तो एक बार तालियां बजा के इजाजत दें कि आप मुझे सुनना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्त, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कि मैं बिन पंखों का जुगनू था जहाजी कर दिया मुझको। मैं बिन पंखों का जुगनू था जहाजी कर दिया मुझको। गजल ने छू लिया तनवीर गाजी कर दिया मुझको। मैं बिन पंखों का जुगनू था जहाजी कर दिया मुझको। गजल ने छू लिया तनवीर गाजी कर दिया मुझको। नई मस्जिद के बाजू घर है उस अल्हड़ सी लड़की का। गजल ने छू लिया तनवीर गाजी कर दिया मुझको। नई मस्जिद के बाजू घर है उस अल्हड़ सी लड़की का। मोहब्बत शुक्रिया तूने नमाजी कर दिया मुझको। मैं बिन पंखों का जुगनू था जहाजी कर दिया मुझको। गजल ने छू लिया तनवीर गाजी कर दिया मुझको। नई मस्जिद के बाजू घर है उस अल्हड़ सी लड़की का। मोहब्बत शुक्रिया तूने नमाजी कर दिया मुझको। जुदाई का कोई एहसास अब जिंदा नहीं लगता। मगर मैं भूल पाऊंगा उसे ऐसा नहीं लगता। जुदाई का कोई एहसास अब जिंदा नहीं लगता। इधर वाले तो अच्छी खासी दाद दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इधर बुजुर्ग है इधर नौजवान है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जुदाई का कोई एहसास अब जिंदा नहीं लगता। मगर मैं भूल पाऊंगा उसे ऐसा नहीं लगता। मुझे उससे मोहब्बत तो नहीं अब फिर भी जाने क्यों। वाह, जुदाई का कोई एहसास अब जिंदा नहीं लगता। क्या कहना, जुदाई का कोई एहसास अब जिंदा नहीं लगता। मुझे उससे मोहब्बत तो नहीं अब फिर भी जाने क्यों। उसे देखूं किसी के साथ तो अच्छा नहीं लगता। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। जुदाई का कोई एहसास अब जिंदा नहीं लगता। मगर मैं भूल पाऊंगा उसे ऐसा नहीं लगता। मुझे उससे मोहब्बत तो नहीं अब फिर भी जाने क्यों। उसे देखूं किसी के साथ वाह वाह तो अच्छा नहीं लगता। जलते रहना सदा इसकी तकदीर है। क्या कहना। जलते रहना सदा इसकी तकदीर है। दिल मेरा एक छोटा सा कश्मीर है। वाह 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 वाह। जलते रहना सदा इसकी तकदीर है। दिल मेरा एक छोटा सा कश्मीर है। जिसने लौटाई पीतल की पायल मुझे। वाह। जलते रहना सदा इसकी तकदीर है। दिल मेरा एक छोटा सा कश्मीर है। जिसने लौटाई पीतल की पायल मुझे। उसके पैरों में सोने की जंजीर है। वाह, अरे वाह 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 वाह। पीतल की पायल मुझे। अरे इसके पीछे जो मतलब छुपा है यहाँ बैठे नौजवान समझ गए।
समझ गए ना? बुजुर्ग भी समझ रहे हैं, वो इजहार नहीं कर रहे हैं। और चलते चलते गजल के दो तीन शेर, फिर इजाजत, लेकिन पूरी तवज्जो से सुन ले कि तबाह करके मुझे चैन से कहां होगी, तबाह करके मुझे चैन से कहां होगी, तबाह करके मुझे चैन से कहां होगी, वाह, मुझे बुझा के वो खुद भी धुआं धुआं होगी। तबाह करके, वाह 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 वाह, मुझे चैन से कहां होगी, वाह, तबाह करके मुझे चैन से कहां होगी, वाह वाह वाह, मुझे बुझा के वो खुद भी धुआं धुआं होगी। किसी ने छोड़ दिया है मुझे तो सोचता हूं, किसी ने तबाह करके मुझे चैन से कहां होगी, मुझे बुझा के वो खुद भी धुआं 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 होगी। किसी ने छोड़ दिया है मुझे तो सोचता हूं, जिसे मैं छोड़ चुका हूं वो अब कहां होगी। छोड़ दिया है मुझे, किसी ने छोड़ दिया है मुझे तो सोचता हूँ, वाह, जिसे मैं छोड़ चुका हूँ वो अब कहाँ होगी, वो अब कहाँ होगी। मैं दिया था तो मेरा मान बढ़ाया जाता। मैं अब थोड़ी तवज्जो दे दे तू शायरी की, भाई भाई। मैं दिया था तो मेरा मान बढ़ाया जाता, उसके मेहंदी लगे हाथों से जलाया जाता। वाह। मैं दिया था तो मेरा मान बढ़ाया जाता, उसके मेहंदी लगे हाथों से जलाया जाता। डस्टबिन में पड़ी चिट्ठी की तमन्ना थी यही, काश मुझको किसी तकिए में छुपाया जाता।